बसमीन विकमतिया फ़स जिसका आगाज हमने पिछली नशस्त से किया था इसका नाम फसरत ईसा है इब्न अरबी ने अजीमुल मंजिलत पैगंबर जिसका कुरान में कई मरतबा तस्करा हुआ और ऑल आजम अम्बिया में से एक नबी है जिनका नाम हजरत ईसा अलैहि है तो हजरत ईसा अलैहि के मुतालिक इस फस में तफसीलान वो जो ईसाइयों और मसीहियत का ईसा ईसीम के बारे में नजरिया था उसके मुतालिक गुफ्तु की है तो हम क्योंकि इबन अरबी अपनी उस इरफानी मकाम और उस इरफानी निगाह से ही एक मसले को देखते हैं तो हजरत ईसा आलाम के मुतालिक भी कुछ इस तरह से उन्होंने देखा है फरमाते हैं कि सबसे पहला नुकता इस फास में हजरत ईसी आलाम की शान के मुतक जो मसीहियों का इख्तिलाफ था उसके मुतक गुफ्तु किया है। फरमाते हैं कि बाज ने ईसा आलाम को बशरी जाविये से देखा तो ईसीम को मरीम का फर्जंद कहा कि मरीम के फर्जंद ईसा इस्लाम है ईसा इबन मरियम है बाज दूसरों ने जब वो बशर की शक्ल में मरियम के सामने वो फरिश्ता मुतमसिल होकर आया था उस जाविये को देखते हैं तो बाज ने उसे देखकर ईसा को जब्राइल से मंसूब किया क्योंकि जो ईसा के बारे में जो विलादत का तस्करा कुरान में हुआ है तो कुरान में भी फतमसला बशर सविया वो बशर की के मुतमसल हुआ एक बशर की सूरत में वो फरिश्ता तो फरमाते हैं कि बाद ने उस जाविये से देखा तो उन्होंने ईसा आलाम को जब्राईल से मनसूख किया तीसरा ग्रोह था वो लोग कि जिन्होंने ईसा आलाम की रूहानी और मानवी पावर कुदरत और ताकत को जब देखा तो उसे खुदा से निष्पत थी कि ईसा आलाम की रूह के अंदर इतनी पावर और कुदरत पाई जाती है कि वो अल्लाह के इजन से मुर्दों को जिंदा करते हैं, हैं। तो है फरमाते है। इन्नी उबरे मैं मुर्दों को अल्लाह के इजन से जिंदा करता हूँ तो कहते हैं कि बाद ने इस इस जाविये से देखा तो ईसा अलैहिस्सलाम को रूहल्ला कहा और बस इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हक का भी तोाहम हुआ हक ताला का ये हक ताला भी उसमें मौजूद है तो बाद में जिस तरह से उसके बारे में तोाहम किया कि जिसको हम बाद में जिक्र करेंगे तो बस नतीजा इस पहले नुक्ते का नतीजा ये हुआ कि कभी मलक के जविये से देखा गया है फरिश्ते के जाविये से देखा गया, से को देखा गया कभी बशर के दाविये से देखा गया और कभी अः रूहुल्ला कहा गया कलेमतुल्लाह रूहल्ला अब्दुल्ला ये सारे के सारे लकब जो कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिए हैं इन अब्दुल्ला मैं अल्लाह का अब्द हूँ आतानी अल्कि मैंने किताब अल्लाह ने मुझे अता किया है ईसा को रूहल्ला भी कहा गया ईसा को कलिमतुल्लाह भी कुरान में कहा गया तो ये तीन चीजें हैं जो ईशा आलाम के बारे में तवाहम हुआ तो कहते हैं कि इस इख्तिलाफ की वजह क्या है ईसी के बारे में ये जो इख्लाफ पेश आया इस इख्तलाफ की वजह क्या है इसका जवाब मोहुलद्दीन इबन अरबी देते हैं वो फरमाते हैं कि हकता ने जब आदम की तख्लीक की है तो आदम की तखलीक के लिए जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने पहले आदम का मुजस्मा बनाया आदम का जिसम बनाया जब जिसम जिस्म मुकम्मल हुआ तो फिर मैंने कहा वन तो फी है में रूही। अपनी रूह उसमें डाल दी तो ये जो रूह डाली ये जिसम के तस्वीर के बाद आदम में रू आई है तो इबन इबनी अरबी फरमाते हैं कि आदम और आदम के अलावा दूसरे आदमी उनके बाद पहले जिसम बनता है जिसम में ही अल्लाह फिर रूह डालता है तो कहते हैं कि लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ये बिल्कुल मसाला बराक्ष था इब्तिदा यानी आगाज में ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रूह डाली फिर उसके की को खालक किया ठीक है यानी अब यहां से इबन अरबी ईसा और आदम के बारे में जो खाल फर्क बयान करते हैं फरमाते हैं कि आदम का पहले जिसम बना फिर रूह आई ईसा की पहले रूह आई फिर जिसम बना फिर इसके बारे में वो कुरा, एक शेर भी उनका है अनश अ तेर मिनतीन के ईसालाम रूह है अल्लाह का न अल्लाह के गैर का रू है अल्लाह की तरफ से या अल्लाह का रू है न के गैर खुदा का रूह है फलेम मवाद लहजा चूंके रूह ईसा की रूह अल्लाह की रूह है लिहाजा वो मुर्दों को जिंदा करते हैं वह अनशा तैरा मिनती और फिर मट्टी से वो परिंदे बनाते हैं तो फरमाते हैं कि जब ऐसी बात है तो आगे फरमाया हत्ता यसिह लहू मिन रब ही निसबन बेही असराफिल आली वफिदन अल्लाह तहरा जिसमन वनजा रूहन सै रहू मसल बे तकबी फरमाया कि ये इस वजह से है कि अल्लाह ने आद ईसा का रूह अल्लाह का रूह है ये इस वजह से है कि उसकी नस्बत परवरदगार से साबित हो जाती है कि तब कहा जाता है या रूह लेकिन जब अल्लाह का रू रूह को नस्बत देते हैं अल्लाह से या कलिमा को नस्बत देते हैं अल्लाह से तो ये नस्बत कहाँ से साबित होती है ये इस वजह से साबित होती है कि उसकी रूह अल्लाह की जानब से थी नैर खुदा से रूह है ईसा रूह है खुदा थी फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने अ, जो नस्बत ईसा की अल्लाह से हो गई रूहल्ला बन के तो ये नस्बत आ, मादून और माफोक यानी बाला तर और पाइन तर में असर रख दिया है इसका असर ईशा से बाल तार और ईशा से पाइन सब के अंदर मौजूद है फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को पाक किया और उसकी रूह को मुनजा किया और फिर उसे तखलीक में नमूना करार दिया तो फरमाते हैं कि इस इस शेर से इब्ने अरबी ने इब्ने अरबी ने ईसा की जो कुदरत थी उस कुदरत की हद को तमाम आसमानों और जमीनों में नाफिज करार दिया लिहाजा फरमाया कि चूंकि उसकी रूह रूह है खुदा है तो जितने भी मूसा ईसा के मोज़ज़ात हैं उन मोज़ज़ात का सबब उनका सर चश्मा भी यही बात थी ये इसी वजह से फिर फरमाते हैं कि ये एक वजह थी दूसरी इल्लत इख्तलाफ की इल्ल में से ईसा के बारे में जो ईसा की शख्सियत और हकीकत और माहियत के बारे में जो इख्तलाफ हुआ है उन इख्तलाफ की दूसरी अलल में से एक इल्लत यह है कि वो कुरान की मानंद कलम खुदा थे कलिमा कहा गया है तो जिस तरह कुरान कलमा है इसी तरह ईसा भी कलमा खुदा थे कुरान अल्फाज में आए ईसा मुजस्म थे तो फरमाया कि जिस तरह जब्राईल कलाम हक को आकर पे अंबर पे नाजिल करता था वैसे ही जब्राईल ने खुदा यानी रूह ईसा को मरियम के लिए मुंतकिल किया मरियम के लिए नाकिल क्या है वो बने फिर हैं कि जो आ, क्या कहते हैं हजरत ईसा के बारे में वो जो कम तवाजो इनके सारी जो मसीहियों के ईसाइत में रायज है अगर कोई तुम्हें एक थप्पड मारे तो तुम दूसरा रुखसार भी उसकी तरफ कर दो तो कहते हैं कि ए, ये बात भी वो उसके बशरी जाविये से की गई है कि बशर कमजोर है बशरी खोल कल इंसान ज़ईफ़ा तो ये जो उसका बशरी और मरियमी जाविया था उस जगह से ये बात की गई है अब ये एक इब्न अरबी इस पहले नुक्ते को अलैहिस्सलाम के बारे में जो मसीहियों का अखिलाफ था ईसा की हकीकत शख्सियत और माहियत के बारे में वो पहला नुकता यहाँ बयान किया अब दूसरी बात कहते हैं कि जो तस्लीस के कायल हैं उनकी खता कहाँ पे है तस्लीस के कायल हैं उनकी खता कहाँ पे है और खता की दलील क्या है ये दूसरा नुकता है कहते हैं कि इबन अरबी ने मजीद की इस फस ईसा में वो आयत पेश की जिसमें फरमाते हैं लकद काफलना कालोन मसीहन मरियम तहकीक काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ही वो मसीह इबन मरियम है अल्लाह ही मसीह इबन मरियम है वो काफिर हो गए यानी अल्लाह को मरियम में ही मुन अल्लाह को मसीह इबन मरियम में मुंहिर करार दिया तो यहाँ पे फिर जिस तरह इबन अरबी की अपनी एक तरीका कुरान को समझने का तो आयात की तावील में ज्यादा जाकर वो उसका जो बात नहीं माना है उसको अः मुनकशिफ करने की कोशिश करते हैं तो फरमाते हैं कि ये कहना के मसीहियों का ये कहना कि अल्लाह मसीह है बेशक अल्लाह ही मसीह अबने मरियम है कहते हैं ये कहना मसीहों का कि अल्लाह मसीह है ये सादक है ये बात सही है क्यों क्योंकि वो जो हुवियत हक थी वो ईसवी सूरत में उसका जहूर हुआ तो इस जेस से ये कहना कि अल्लाह मसीह है ये बात दुरुस्त है आप फरमाते हैं कि जिस तरह हम आ, कहते हैं कि पूरे का पूरा आलम क्या है आ, उसकी सूरत आ, यानी हक ताला का जो तयन जो उसका जहूर ईसा की सूरत में हुआ वैसे ही जिस तरह हमने कहा है कि पूरे के पूरे आलम की सूरत में उसका जहूर हुआ है तो जब पूरे के पूरे आलम में कहते हैं तो ईसा सलाम के बारे में कहना ये कोई मुमानियत या कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है बल्कि ये बात भी दुरुस्त है कहते हैं ये पहली बात दूसरी बात यह है कि मसीह को मरियम का फरजंद कहना ये बात भी सही है ये कौल भी सच और हक है अब कहते हैं कि जब ये दोनों बातें सही हैं, तो फिर क्यों क्यों ऐसा कहने वाले काफिर हैं अल्लाह ने क्या फरमाया? काफिर हैं वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इबन मरियम जब ये दो बातें सही हैं, तो वो क्यों काफिर है इसका जवाब फिर मोहद्दीन इबन अरबी इस तरह देते हैं कि बात यह है कि वो जो मसीही और ईसाई थे उनकी खता यहाँ पे है कि खता यहाँ पे है कि उन्होंने हक के हक के तय और उसके जहूर को ईसा की सूरत में मुनहसर करार दिया अल्लाह मुनहसर ईसा की सूरत नहीं है पूरे के पूरे आलम उसकी सूरत पे उसका जहूर हुआ है जब पूरे का पूरा आलम है तो इस इसा में मुनसर करार देना ये उनकी गलती थी दर हाली के, के पूरी का पूरा आलम चाहे वो आलम गैब है चाहे आलम शहादत है ये अल्लाह की सूरत है पूरी का पूरा आलम सूरत खुदा है फिर फरमाया कि फूबैन في تمام الكلام كله لأنه لا بقولهم هو الله ولا بقولهم ابن مريم فلولا هو لولانا لما كان الذي كان فأنا فأنا أعبد حقا وأن الله مولانا أنا عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا फकुन हकन वकून खलकन तकन ये पूरे के पूरे अशार जो जिक्र किए गए अरबी की, की तरफ से इबन अरबी फरमाते हैं कि अगर हक ना होते तो हम ना होते अगर हक ना होता तो हम ना होते हमारी हस्ती न होती हमारा वजूद ना होता क्यों क्योंकि क्यों? पूरे का पूरे आलम का वजूद ये तो फैली है पूरे का पूरा जहान इंसान और मासवाय तो फैली है इनका वजूद क्यों तो फैली है क्योंकि इनका वजूद वजूद खुदा से जुदा नहीं है और गैर वजूद खुदा नहीं है तो कहते हैं इसके बावजूद हम हक की अबूदियत करते हैं और वो हमारा मौला है हम उसके बंदे हैं आपदा हैं और वो हमारा मौला है फिर फरमाया कि यहाँ पे इंसान के सारे शाम में फरमाया कि जब आप इंसान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम दराने हाल के इंसान हैं वो भी हैं दर हाल के इंसान हैं वो भी हैं क्यों क्योंकि हम उसका जहूर में हुआ है ठीक है तो फिर फरमाया कि अपनी आंखों को मत अपनी आंखों को बांध मत करो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर भी एक बुरहान रखता है एक दलील रखता है लिहाजा यानी तुम्हारा ये जो वजूद है ये जो महदूद यहाँ आलम में मादा और उसमें है इससे भी बालतर वो एक अल्लाह ताला बुरहान रखता है तो फरमाते हैं कि पास जब ऐसी बात है तो आपको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए हक हक और मखलूक हूं हक हो जाए और मखलूक हो जाए दोनों बात है हक भी है मखलूक भी है क्यों क्योंकि मजहर रहमानियत हक ताला है कहते हैं कि पास जो उसकी अता से हमारे अंदर जाहिर हुआ है अल्लाह का जो जहूर हुआ है हमारे अंदर तो फरमाते हैं कि उसकी तरफ पलटा देंगे और वो भी अब हमें दोबारा पलटा देगा यानी मुराद यह है कि वही हमारा उनका जहूर जब हम में हुआ है हमारा वजूद तो फैली उसके तो वो हम हैं दरअन हाल के हम इंसान हैं वो हैं ये सारे के सारे आशार बयान करके फरमाते हैं कि वो हम में हमेशा नहीं है बल्कि तमाम जमानों में हमारे अंदर है आखिरी जो शेर था वाले सब दायमिन फीना वाला किन्जा का आहियाना वो हमेशा में नहीं है बल्कि ज़मानों में हम में है तो कहते हैं कि ये जो अशार ये जो अशार इबन अरबी ने जो कुछ इन अशार में कहा है इन अशार में उनका कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने अपने आप को अल्लाह ताला ने अपने आप को रूहुल कोद्र और ईसी के जरिए से ईसा आलाम के रास्ते से बशर के लिए मुनकशिफ और जाहिर किया लिहाजा जब अल्लाह ताला ने बशर के लिए ईसा और रूहल कदस को जब जाहिर किया चूंकि रूहल कदस ही आए थे कि जो बशर की सूरत में आए और ईसीम की विलादत हुई तो फरमाते हैं कि पास हाकला उस इनकशाफ और के लिए ईसा का मोहताज था ठीक है? पास अपनी और इनकशाफ के लिए ईसा का मोहताज था तो इबन अरबी भी कहते हैं कि बहुत सारे जो दूसरे और उनकी मानंद सरात से ये कह रहे हैं कि हम हमेशा अल्लाह के मोहताज हैं लेकिन वो अल्लाह अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए हमारा मोहताज है उसे हमारी जरूरत है हम ना हम ना तो उसका जहूर कैसे हो उसका जहूर या तम इंसान में आ फरमाया फर, कि फलामा कुन्ना वहन मकाना कहते हैं कि अगर वो ना होते तो हम ना होते और अगर हम ना होते तो उसका जहूर ना होता लिहाजा कहते हैं कि तो लिहाजा हम जो है ना हक और सतबाजे कह रहे हैं कि हम उससे हैं उसी ने हमें जाहिर किया है लेकिन अपने आप को पिधान किया और जब अपने आप को जाहिर किया तो हमें पिन्हान कर दिया तो ये ये कहते हैं कि ये उसके अपने तायुनात में जब उसने जाहिर किया हमको तो अपने आप को पिनान किया कर दिया और जब अपने आप को जाहिर किया तो हम पिनहान थे आयान सापता में थे जब हम तख्लीक नहीं हुई थी तो हम सारे के सारे आयान का अल्लाह के एल, मकाम वाहदियत में मौजूद थे अब कहते हैं कि ये इस तरह का जो ईसा आई के बारे में इस तरह इबन अरबी का ये कहना ये इसी तरह की बात इबन अरबी ने मूसा के बारे में भी कही है वहां कहते हैं कि मूसा के वो जब चालीस दिन का चंचला चल, काटने के लिए कोई दूर पे गए और वापस आए तो देखा कि कौम गुमराह हो चुकी थी वो क्या कहते हैं घुसाले की प्रस्तृष कर रही थी सामरी ने लोगों को गुमराह कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून पे गजबनाक हो गए और अपनी तख्तियां तौरात तो की फेंक दी हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ लिया तो कहते हैं कि मोहद्दीन फरमाते हैं कि ये बात यहूदी और इस्लामी दोनों मनाबे में आई है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो क्या कहते हैं तो वही को दरियाफ्त करने के लिए चालीस दिन तक कौम से जुदा हुए कौम को तर्क किया और कोहितूर पे जाके अल्लाह की इबादत किए वो चिल्ला काटा तो फरमाते हैं कि बनी इसराइल ने क्या किया पीछे से वो गुसाले की परस्तश कर दी तो जब अलैहिस्सलाम वापस पलटे तो वापस पलटने के बाद अपने कौम के काम से सख्त नाराज हुए और हारून अलैहिस्सलाम पे सख्त गजब नाक हुए ये वाक जो कुरान में भी आए यहूदी और इस्लामी मनाबे दोनों में है तो फरमाते हैं इब्ने अरबी ये वाक़ जिक्र करके फरमाते हैं कि मूसा इस्लाम का एताब गुस्सा होना हारून पे वो इस वजह से था कि हारून के अंदर हारून का कसूर था कोताही हारून की थी कि वो हकीकी मार्फत को सही तरीके से नहीं जान सके तो कहते हैं कि आ, जो आरफ कामिल होता है वो हक को तमाम चीजों में देखता है गोसाले में भी हक को देखना था इलाके वो था तो कहते हैं कि आरफ कामिल क्या करता है हक को सब में देखता है तमाम अशिया में हक को देखता है बल्कि तमाम अशिया का देखता है तो कहते हैं कि फिर मूसा ने हारून की वो तरबियत की और हारून उसके बाद कमाली तक ये बात कहते हैं कि ये बात इस वाके के बाद मूसा ने तरबियत की हारून की और हारून फिर आरफ कामिल बन गए तो कहते हैं कि अब यहाँ पे यानी कसूर ये था हारून अलैहिस्सलाम का कि हारून अलैहिस्सलाम वो आरफ कामिल न बन सके उसने वो हक को तमाम अशिया में न देख सके न फिर तमाम अशिया में बल्कि हक को तमाम अशिया का न देख सके तो फिर अब उसके बाद आरफ कामिल की तारीफ में अबी फरमाते हैं वल आरफुल मुकम्मल मन र

हर मबूद में हक हाँ का जलवा देखता है कि उस खास जलवा और खास सूरत में उशाक हाँ की इबादत करता है तो कहते हैं इसी वजह से तमाम मबूदों को अल्लाह ने इलाह कहा है यानी अपने अपने आप को भी इलाह कहा और दूसरे मबूदों को भी इलाह कहा है सबको जब इलाह कहा है तो इलाह का मतलब भी ये होता है कि ये नहीं कहा कि वो इलाह नहीं है इलाह है लेकिन कहते हैं कि कामिल वो होता है कि हर महबूद को हक का जलवा समझता है जब हक का जलवा है तो उस सूरत में और उस जलवा खास में उसकी परस्तश करता है तो आ, फरमाते हैं कि बावजूद इसके कभी महबूद पत्थर होता है कभी वो दरख्त होता है वे हजरन औजरन ओ हैवान कभी हैवान होता है कभी इंसान होता है कभी सतारा की परस्त हो रही है कभी फरिश्तों की परस्तिश हो रही है तो इब, आ, ये बात तो जब करने के बाद अब इसके बाद इब्ने अरबी आखिर में फरमाते हैं कि आरफ आरफ वो है कि जो हक को तमाम अशिया में देखता है फिनल आरफा मैरल हक शैन बल योन शर्माते हैं किारफ वो है कि जो हक को तमाम अशिया में देखता है न बल्कि आरिफ से कामिल वो है जो हर अशिया का आन देखता है हक को हर अशिया का आन समझता है तो इस कहते हैं कि इस जुमला आखिर में ये कहना कि हक को तमाम अशिया में देखना ये वो वहादत है एक किस्म का वहादत शहूद है कि जो जवाहिर इस्लाम के साथ साजगार है क्यों क्योंकि इस्लाम यह है कि माँ राय तो शाह वरात तो कबला उ माओी तमाम अशिया में वो हक को देखना ये ज़ाहिर इस्लाम से साजगार है लेकिन ये कि तम, इसका दूसरा जो जुमला है ये हक को तमाम अशिया का ऐन समझना कहते हैं कि ये वो ये वो बारीक बाल है कि जिसका अदियान मुकदस और उनके जाहिर से किसी सूरत में साजगार नहीं है उसके साथ इसकी साजगारी नहीं है बल्कि जाहिर इस्लाम भी इसके बर है ये अलबत् ये बात क्या कहते हैं इबन अरबी ने नहीं की ये हम इबन अरबी की उस बात से ये बात कर रहे हैं कि इबन अरबी का ये कहना दुरुस्त है कि हक को तमाम अशिया में देख लेकिन हक को अशिया देखना ये जवाहर इस्लाम और जवाहर मुकदस अदियान के साथ साजगार नहीं है तो कहते हैं कि ए, ए, फिर खुद इबन अरबी खुद इबन अरबी वो जो तसलीस के कायल होते हैं और उसका तसलीस का इस्तेमाल से करते हैं फरमाते हैं कि तसलीस तो है साल में तखलीक में किस तरह फरमाते हैं इन अमर एजा कुन दुल कहते हैं कि ये जो कुरान की आयत है कि अल्लाह फरमाता है कि उस आमर उसका आमर यह है कि जब वो इरादा करता है कहता है हो जा तो वो हो जाती है तो इसमें पहली चीज उसका इरादा करना हुत हक ये नाम देते हैं हक ताला हालांकि शराब दूसरा उसका इरादा करना और तीसरा कलमा कौन कहना ये तो तसलीस है इस तल तस्लीस के फिर इब्न अरबी कायल हैं अब ये यहां से ये बात ये जो दूसरा नुक्ता था आ, उसको वाजे किया अब एक तीसरे नुक्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो एक अहम नुक्ता है हजरत ईस्सी के बारे में कहते हैं कि इबन अरबी हजरत ईस्सी असलाम की बेनदीर खिलकत से कुछ ल, ल, शीरीन और बड़े मजेदार किस्म के नतज को इस्तेमाल करते हैं फरमाते हैं कि अजसाम बशरी बशरी जो जिसम है उनकी चार किस्में हैं बशरी जिसम को चार किस्मों में तकसीम कर देते हैं कहते हैं कि बशरे जिसम पहली किस्म आदम का जिसम है आदम का जिसम जिसको अल्लाह ने मट्टी से हल किया और वो आदम का जिसम इस दिवाजी नहीं है मतलब यह है कि मुजक्कर मुन्नत से नहीं था आदम का जिसम न आदम का बाप था न आदम की माँ थी वो बगैर माँ बाप के आदम पैदा हुआ तो वो फरमाते हैं कि पहला जिसम बशर का वो जिसम आदम है कि जो मट्टी से मट्टी से बना है दूसरा जिसम जिसम हवा है हजरत हवा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो हजरत हवा का जो जिसम है वो अः हजरत आदम से उसका जिसम बना था हजरत आदम की जैसा कि वो शरीयत के इस्तलामे कि उनकी पिंडलियों से उनकी तखलीक हुई थी तो उनकी पसलियों से सॉरी तो फरमाते हैं कि हवा की तख्लीक जिनसे मर्द मर्द की जिससे हुई थी ये दूसरा जिसम तो आप फरमाते हैं कि तीसरा जिसम बशर, तीसरा बशरी जिसम वो बनी आदम का जिसम है तमाम बनी आदम का जिसम इनके अलावा तमाम बनी आदम का जिसम जो औरत और मर्द से मुतवल होता है उसकी विलादत औरत और मर्द के मिलाप से होती है जब तक मर्द मर्द वहन नहीं है वो आगे वो जिस्मील पा ही नहीं सकता तो कहते हैं ये आ, ये तीसरा जिसम जो औरत और मर्द का मौलूद है चौथा जिसम फरमाते हैं वो जिसम ईशा है जिस्मीसी के एक बाज जहाज से इन पिछले तीन जिस्मों के साथ उसका इश्तराक है किस तरह इश्तराक है कि पहले जिसमें आदम से उसका इश्तराक है वो इस हवाले से कि एक ही एक ही फर्द से दुनिया में आए हैं वो हजरत मरियम से और दूसरा इश्तराक दूसरी जो किस्म है जिसमें हवा उससे इश्तराक किस वजह से है कि चूंकि एक ही फर्ज से दुनिया में आए हैं तो फरमाते हैं कि और दूसरी आ, क्या कहते हैं हाँ पहला पहला जो इश्तराक है जिसमें ईसा जिसमें ईसा मुश्तराक है सारे तीन जिस्मों के साथ पहला इश्तराक दूसरा इश्तराक यह है कि आ, आ, क्या कहते हैं चूंकि एक एक मरियम से उनकी विलादत होती है मोलुदिम औरत न मर्द जान तो इस वजह से एक फर्ज से दुनिया में आते हैं तो इस वजह से जिसम हवा से उनकी शबाहत है तो कहते हैं कि और तीसरी तीसरे जो नौ सिबम है जिसमें मौलूद जनो मर्द मर्द औरत का मोलूद उसमें कहते हैं कि रहम मादरी में मुकम थे और बशरी जायमान जो आम विलादत होती है उस तरीके से मराहल को तय किया तो उस नव सिवम किसम सिवम से इसकी शबाहत है तो ईसा चूंकि चौथा जिसम है और इसकी शबाहत और इश्तराक है तीनों पिछले जिस्मों के साथ तो फरमाते हैं कि अब जब ये बात वाज हो गई तो अब हजरत ईसीम की खिलकत तो और दूसरी तीन किस्म के जो शाम है बनी आदम और आदम और आदमियों के उनके दरमियान उमदा फर्क ये है यानी सबसे अहम फर्क ये है कि इन सारे ईसा के अलावा सारे अजसाम में पहले जिसम जिसम की तखलीक होती है जिसम जब बन जाता है चाहे आदम है चाहे हवा है चाहे दूसरे मियाँ बीबी तमाम कायत में जो कुछ सिलसिला चल रहा है ये सारे के सारे में पहले जिसम की खिलकत होती है और जिसम की खिलकत के बाद अल्लाह फरमाता मैं उसमें रूह डालता हूँ वाला फ्त तो फीहे में रूह ही वो मरहला माँ के शिकम में बच्चा जब तय करता है तो चार महीने के बाद वो अल्लाह रूह जो फूकता है तो वो रूह जब आती है तो जिसम पहले जिसम बनता है और फिर उसके अंदर रू आती है तो फरमाते हैं कि इन तमाम मवारद में ईसा के अलावा तमाम मवारिद में पहले जिसम बना फिर अल्लाह ने रू क्योंकि फरमाया हूँ जब हमने जिसम को बनाया तस्वीर जिसम किया वाला फ्तोफी तो में रू ही फिर हमने उसमें अपने रू डाल दी तो कहते हैं कि ये तमाम अजसाम ईसा के अलावा तमाम अजसाम में इस तरह हुआ है लेकिन ईसा के बारे में फर्क यह है कि ईसा आई के बारे में नफे रूह पहले हुआ है जिसम और जिसम की खिलकत बाद में हुई है। ये बात में सफर सानी में इन्होंने लिखा है अब यहां इसी से फिर मोहुद्दीन अरबी नतीजा लेते हैं इस वाकिया से नतीजा लेते हैं कि रूह ईसा उसकी आन जात है रू ईसा उसकी आने दात है और रू वो हयात है रू हयात है क्यों क्योंकि कुरान की आयत भी देखें कि वैसे भी कि जब रू इंसान के अंदर आती है तो तब हम कह सकते हैं ये जिंदा है रूह जब इंसानी बदन से निकलती है तो उसके ऊपर मौत वाक हो जाती है हयात वही रूह है तो फरमाते हैं रूह है ईसा जब कहा जाता है तो ये उसकी आने जात है जब ऐन ज़्यादात है तो कहते हैं कि हयात है ईसा की जात में दाखिल है ईसा की जात वो हयात है, है जब ईसा की जात जयात है तो फरमाते हैं कि पास ईसा साहेब रू नहीं हुए बल्कि अहन रू हुए साहेब रू नहीं बल्कि अहन रूह है और जब ऐने रूह है तो वो इंसान की शक्ल और सूरत में वो ऐने रूह इंसान की शक्ल और सूरत में आ गए जब शक्ल और सूरत में ऐने रूह आए तो पहले नफ़ रूह हुआ फिर सूरत जिस्मानी तश्कील पाई जिस तरह के जब्राइल वो आया सूरत जिस्मानी में मुतमस्सिल हुआ कुरान की आयत है फतरन सवैया तो कहते हैं कि ईसा इस्था लेकिन जसद मुतख़यल कहा जाता है उसकी उसका जसद उसके जसद या उसका तजस्सुद वही उसकी तजसद रूह है उसका जसद उसकी रूह का मुतजस्सिद हो जाना है तो फरमाते हैं कि जब ऐसी बात है तो ये इस अला में ये कहा जाएगा कि ईसा जसद थे जिस्मानी नहीं है जसदे ना जिस्मानी है तो जब ये बात वाज हो गई तो यहां से ये नतीजा मिलेगा कि ईसा सलाम में रूह के खसाइस और खसूसियात हाकिम थी जब ये चीज थी तो हयात रूह चूंकि एक दूसरे से जुदा नहीं होते रूह आने हयात है रूह होती है तो तब हयात आती है तो फरमाते हैं कि जब रूह एक, एक जिस्म में वारद होती है तो उसमें हयात आ जाती है उस जिस्म में जब ऐसी बात है तो आप फरमाते हैं कि ये नतीजा हम ले सकते हैं कि आ, कैसे यहीं से ये नतीजा ले सकते हैं कि कैसे ईसा के अंदर एक खास मानवी रूहानी पावर थी कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे ठीक है कहते हैं कि ये बात जब समझ आ गई कि ईसा ऐन रूह और ऐन हयात थे, जब ऐन हयात आए तो ईसा हयात देने वाले हैं हयात हयात वो ईसा है ईसा जब हयात है तो लिहाजा यहीं से वो समझ में आ जाएगा कि ईसा कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं तो कहते हैं कि अब ईसाइयों के अकीदे के अरबी अरबी फरमाते हैं कि उस ईसा के पास जो जिंदा करने की कुदरत थी वो उसकी उलूहियत की वजह से नहीं थी कि वो इलाह है बल्कि चूंकि वो ऐन हयात रूह थे तो उसके हयात रू से ए, उसके अंदर ये पावर थी इस वजह से ईसा ईसा को रूहल्ला भी कहा जाता है रूहल्ला का मतलब ईसा रूहल्ला का माना भी यही किया जाता है कि हया तो फी मन है कि जिसमें हयात रूह आती है हयात जाहिर हो जाती है जैसा कि वो सामरी के बारे में भी इसी तरह था कि उसने भी वो जो गुसाले में रूफी थी वो गुसाला वो आवाजें देने लग जाता था फिर कहते हैं कि है, फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं ये बात जब करते हैं तो इसके बाद तो एक और बात में आगे से शुरू कर देते हैं इबन अरबी हजरत ईसा के एलम के बारे में भी एक मनतकी ता, तालील करते हैं एक मंतकी इल्लत दान करते हैं लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये जो इन्होंने ये बात जो किया है कि ईसा रूह और रू ऐन हयात है रूह और हयात एक चीज है तो ईसा की ज़ात क्या है वो हयात थी जब जात हयात थी तो मुर्दों को जिंदा करना ये उसकी ओलोहत की वजह से नहीं था बल्कि उसकी ज़ात की वजह से था ये बात फिर इसके बाद जो इलम की किस्में कर देते हैं और इलम की किस्में जब करते हैं तो फरमाते हैं कि ईसा के पास दो मुहिम इम थे एक इलम कीमिया नाफ़ नाफ़िया कीमिया दूसरा इल्म हरूफ या सीमिया तो ये ये बात करते हैं फिर याहया और ईसा का आपस में रब्ता बयान करते हैं कि बहुत ही एक हरूफ की बहस है फिर उसके बाद जो बहस शुरू करते हैं हैंज़रत ईस्सी की खिलाफत लाहिया के जो मराहल थे रसालत नबुवत वलायत वो एक अहम बात है तो वो इन अगली निश्चित में हम करेंगे तो यहां से ईसा के बारे में ये बात वाजी हो गई कि ईसा को जो रूहल्ला कहा जाता था उसका क्या माना है और ईसा के अंदर जो पावर थी मुर्दों की जिंदा करने की वो किस वजह से थी आपको सवाल है तुम्हें सलाम असल आगा आपने वह तो की बात की और उसके रेफरेंस में एक आयत भी बयान की थी मैं वो आयत का रेफरेंस तो तो में कि हर चीज में अल्लाह की जात है इसको देखना जब इसका रेफरेंस देख में एक बात इबन रबी ने कही और दूसरी आप आई थिंक शराह में थी तो फिर आपने एक आयत भी बयान की थी जी जी वो कुरान की आयत मैंने देखें मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे इलाह कहा जाता है असल में वो उस बात को जो इन्होंने इबन अरबी ने बात किया कि आरिफ मैं यार हक काफी कुल्ले शाइन बाल यारा हो आना कुल्ले शाइन हक कामिल वो है जो हक को तमाम अशिया में देखता है ठीक है न कर तमाम अशिया में देखता है बल्कि हर शह का एन समझता है ठीक है तो फरमाते हैं कि ये हक को तमाम अशिया में देखना ये वही वाहदत वहादत शहूदिया है वहादत शहूदी ये, ये है या फिर का ये अपने अरबी का जुमला है जी ये अपने अरबी इसका कोई आयत से वो नहीं है नहीं इसका इसका कोई आयत से ताल्लुक नहीं है जी। वही मुझे जी।, जी, जी।, जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और किसी का को कोई सवाल अब बात इनके बड़ी गुफ्तगु बड़ी जबरदस्त किस्म की है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आगे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगु है और इनकी फिर नबूआत रसालत खिलाफत के ऊपर जो खिलाफत के दर्जात हैं फिर वो खात्मे वलायत की बहस भी होती है तो वो इन शाह आगे बड़ी अच्छी बहस आ रही तो ये तो ईसा की शख्सियत के बारे में जो कुछ इख्तलाफ था वो बयान किया और ईसा का को तो क्यों रूहल्ला कहा जाता है और ईसा के अंदर वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर थी वो किस वजह से थी

जी yeah. का खुलासा एक दफा फिर बयान कर दीजिए ठीक सवाल बस मुझे सिर्फ मैं थोड़ा सा एन के साथ जो है ना स्टडी कर रही हूँ मगर एन जब हम कहते हैं ना एन यानी वो खुद शायद देखे जब देखे ना पानी है ना पानी तो इसके अंदर मिसाल दे लो आप चीनी डाल लें तो उसमें जब चीनी को आप चम्मच से जो है ना उसके अंदर मखलूत करेंगे तो हम कहेंगे कि ये चीनी पानी बन गई चीनी नहीं रही वो खुद बन गई वो शायद सही ठीक है ठीक इसको कहा ठीक। जाता है इस्तेमाल में ये पुलाश है वो है ऐन है उसका ऐन यानी खुद वो है अच्छा जी, जैसे होता है मैं मतलब ऊपर ही बन गया मतलब भूल गया उसके अंदर ठीक बिल्कुल